अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिबा नरमिन्स किचन। आज हम बनाएंगे विथआउट ओवन वेज पिज़्ज़ा। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हम सबसे पहले एक बाउल ले लेंगे और इसमें 1 कप मैदा ऐड करेंगे। सबसे पहले हम पिज़्ज़े का डो तैयार करके रख लेंगे गाइस। और 4 टेबलस्पून दही ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून खाने का सोडा ऐड करेंगे। अब और हम 1/2 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। अब हम इसमें बटर ऐड कर लेंगे 4 टेबलस्पून। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। बटर हमारा अच्छे से मिल जाए। तरह से हम सारे आटे को अच्छे से स्मूथली हम मिला लेंगे। इस तरह से मिलाने के बाद अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। हाफ टेबल स्पून नमक ऐड कर लेंगे हम। और थोड़ा सा 1/2 टेबल स्पून शुगर ऐड कर लेंगे लाइट, इसमें मिठास आने के लिए। इन दोनों को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हम आटे का डो बना लेंगे। सो गाइस, देखिए मैंने स्मूथली आटा अच्छे से मिला के रख लिया है। अब हम इसे 1/2 आवर के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे ताकि हमारा आटा अच्छा और स्मूथ हो जाए। देखिए हमारे 30 मिनट्स हो चुके हैं, हमारा डो अच्छे से स्मूथली बन चुका है। अब हम पिज़्ज़ा रेडी कर लेंगे। सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे। सो गाइस देखिए मैंने यहाँ पे पैन लिया है। अब हम इसमें नमक डाल देंगे, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। इस तरह से हम अच्छे से नमक को फैला लेंगे। और गैस की फ्लेम को ऑन कर लेंगे। अब हम इसमें एक स्टील के डब्बा या आपके पास स्टैंड हो तो आप इसके बीच में इस तरह से रख सकते हो। मेरे पास स्टील का डब्बा था तो मैंने इस तरह से डब्बे को रख दिया है। अब हम इससे 10 से 15 मिनट के लिए हीट होने के लिए रख देंगे। इस तरह से ढक्कन लगाकर 10 से 15 मिनट के लिए हीट होने के लिए हाई फ्लेम पे रख देंगे हम। जब तक हमारा पैन अच्छे से गर्म होता है तब तक हम हमारा पिज़्ज़ा अच्छे से रेडी कर लेंगे गाइस। हम थोड़ा सा डो ले लेंगे इस तरह से। इस डो को हमें बेलने का ज़रूरत नहीं पड़ेगी गाइस। एक प्लेट ले लेंगे। इस प्लेट में हम अच्छे से बटर लगा लेंगे। इस तरह से हम सभी तरफ से बटर को अच्छे से ऐड कर लेंगे। अब हम ये डो ले लेंगे पिज़्ज़े का। इसे हाथ से ही हम इस अच्छे से फैला लेंगे क्योंकि हमारा आटा इतना स्मूथ बना है कि हमें बेलने की ज़रूरत नहीं है गैस। इस तरह से हम अच्छे से इसका आटे को फैला लेंगे।
सो गाइस देखिए हमारा पिज़्ज़ा इस तरह से हमने आटे को पिज़्ज़े के अच्छे से फैला लिया है। अब हम इसमें फोक की मदद से नॉट्स लगा लेंगे इस तरह से, ताकि हमारा आटा फूले नहीं। इस तरह से नॉट्स लगा लेंगे। अच्छे से नॉच लगाने के बाद अब हम इसमें पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर लेंगे ऊपर से। पिज़्ज़ा सॉस को हम अच्छे से सभी तरफ से अच्छे से लगा लेंगे। जिसके पास ओवन नहीं है वो इस तरह से बना के देख सकते हो गाइस, बहुत ही टेस्टी और अच्छा बनता है पिज़्ज़ा, एकदम रेस्टोरेंट वाला। सो गाइस देखिए मैंने सॉस लगा लिया है अच्छे से। सो गाइस अब हम इस पे इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ जो कि मैंने ग्रेट करके रख लिया था वो ऐड कर लेंगे अच्छे से। आप चाहे तो अमूल चीज़ भी डाल सकते हो, मैंने यहाँ पे मोज़रेला चीज़ यूज़ किया है। इसके ऊपर अच्छे से हम डाल देंगे। सो गाइस अब हम इसमें ऑनियन के पीसेस को रख देंगे, मैंने बड़े बड़े स्लेस में काट लिया है इस तरह से। आप चाहे तो कैरेट, कैप्सिकम, आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो आप ऐड कर सकते हो पिज़्ज़े में। और अब हम इसमें टमाटर ऐड कर लेंगे, ये भी मैंने बड़े बड़े पीसेस में काट के रख लिया था। आप जिस तरह चाहे उस तरह से डेकोरेट कर सकते हो गाइस, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और थोड़ा सा अब मोज़रेला चीज़ फिर से ऐड कर लेंगे। इस तरह से हम ऐड कर लेंगे चीज़ को। गाइज़ यहाँ पे हमारा पैन भी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इस प्लेट को धीरे से पैन के अंदर रख देंगे, बहुत ही हीट रहता है, देख के रखना चाहिए केयरफुली। इस तरह से रख के ऊपर से हम फिर से एक प्लेट रख देंगे। आइए देखिए हमारे 30 मिनट्स हो चुके हैं, हमारा पिज़्ज़ा बन के रेडी हो चुका है या नहीं देख लेंगे। वाओ यम्मी लग रहा है ना, यम्मी पिज़्ज़ा, एकदम रेस्टोरेंट वाला। तो आइए अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। एकदम बन के रेडी हो चुका है गाइस पिज़्ज़ा हमारा, तो आइए हम इसे प्लेटिंग कर लेते हैं। सो गाइस देखिए हमारा वेज पिज़्ज़ा विथआउट ओवन बन के रेडी हो चुका है, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनता है गाइस, आप भी प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सो देखिए गाइस इस तरह से मैंने कितना अच्छे से हमारा पिज़्ज़ा बन गया है, देखिए गाइस लग रहा है ना एकदम रेस्टोरेंट वाला पिज़्ज़ा। मेरा ये वीडियो अच्छे लगे तो आप ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि पिज़्ज़ा आपको कैसा लगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।